साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गुजरे 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक भी कुछ साफ हुआ नहीं है कि 14 जून 2020 को हुआ क्या था, कैसे हुआ था, किसने किया था। लेकिन हाँ, पहले दिन से, पहले घंटे से रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लग रहे थे और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर भी गई, करीब महीने भर जेल में रही। लेकिन अब केस में जबरदस्त उलटफेर हो गया और ऐसा उलटफेर की जांच कर रही एजेंसी सीबीआई ने सरेंडर कर दिया है और रिया चक्रवर्ती की जीत यहाँ पर साफ नजर आ रही। सुशांत के परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुशांत केस में इससे बड़ा अंधेर हो नहीं सकता है। तो क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के केस में? क्या सीबीआई पर किसी का दबाव है और क्यों कहा जा रहा है कि सीबीआई का ये फैसला रिया की जीत है? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती पहली और मुख्य आरोपी थी। रिया पर कई तरह के आरोप लगे थे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता ने सुशांत का पैसा हड़पने, सुशांत को रख देने, सुशांत को उस हालत में पहुंचाने और फिर अंत में सुशांत को खत्म कर देने का आरोप लगाया था। हालांकि इसकी पहले जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में बिहार पुलिस की भी इसमें एंट्री हुई और अंत में सीबीआई को मामला सौंप दिया गया, जिसके बाद अब सीबीआई ही मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आ गया और इस बार सीबीआई ने ही सरेंडर भी कर दिया। जी हां, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के मामले में कुछ ऐसा स्टेप उठाया है कि इसे सरेंडर कहा जा रहा है। असल में रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2020 में रिया की गिरफ्तारी हुई और अक्टूबर में रिया को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली, यानी कि करीब 1 महीने वो जेल में रही और अब 3 साल से रिया चक्रवर्ती जमानत पर ही है। अब रिया को परमानेंट जमानत मिल गई है। जी हाँ, यही बड़ी खबर है और यही सबसे बड़ी खबर है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की जमानत के खिलाफ अपील की जाती, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद मामला यहीं पहुंचता। लेकिन हैरानी की बात देखिए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो, यानी कि खुद सीबीआई, रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध नहीं करेगी। यानी कि रिया जेल से बाहर रहे, जमानत पर रहे, तो इस पर सीबीआई को कोई आपत्ति नहीं है। अब इससे होगा क्या, इसका असर क्या होगा, वो भी समझिए। सीबीआई ने कहा कि वो रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध नहीं करेंगे, तो साफ हो गया कि अब रिया चक्रवर्ती को परमानेंट जमानत मिल चुकी है। यानी कि वो केस तो फिलहाल चलता रहेगा, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती जेल नहीं जाएगी, गिरफ्तारी फिर से नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है कि अब वो रिया चक्रवर्ती की जमानत का विरोध नहीं करेंगे। आगे देखिए, अब इसे रिया की जीत भी कहा जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अब तक डर था कि कहीं सीबीआई ने उसकी जमानत के खिलाफ अपील कर दी तो फिर से जेल जा सकती है। लेकिन यहां पर सीबीआई साफ साफ मना कर चुकी है, यानी कि अब रिया को सुशांत केस में जेल जाने की नौबत आने वाली नहीं है। रिया चक्रवर्ती जेल नहीं जाएगी, इसीलिए रिया की इसे जीत कहा जा रहा है। अब ये फैसला सुशांत के परिवार पर बहुत बड़ी चोट की तरह है, क्योंकि सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती, उसकी माँ, उसके पिता पर सुशांत को खत्म करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब तो सीबीआई ने एक तरह से पूरे मामले से ही हाथ खींच लिए हैं। इसका ये भी मतलब है कि सीबीआई की जांच में भी रिया चक्रवर्ती को अंत में क्लीन चिट मिल सकती है। अब सवाल ये कि क्या वाकई रिया चक्रवर्ती ने कुछ नहीं किया है, क्या वाकई सीबीआई को ऐसे सबूत मिल गए, या फिर सीबीआई पर किसी का दबाव है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सीबीआई दबाव में काम करती है, तो इसीलिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती को बचाने का कोई दबाव है, क्या नाम रिया का केस से निकाल दिया जाएगा और क्या रिया को क्लीन चिट मिल जाएगी। बड़े सवाल यहां पर खड़े हो गए। लेकिन अब सुशांत के फैंस तो यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अंधेर है, इससे बड़ा अंधेर कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि सुशांत के फैंस के मुताबिक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे गवाह हैं, सबूत हैं, जो साफ साफ बताते हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि रिया ने कैसे सुशांत को बर्बाद किया, बदनाम किया, कैसे रिया ने सुशांत को खत्म करने की प्लानिंग की थी। इसे लेकर कई थ्योरीज भी आई थी, लेकिन अब सीबीआई की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन हाँ, जांच पूरी होने से पहले ही, जांच किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही एक तरह से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई, जो कि हैरानी भरा फैसला है, सवाल खड़े करने वाला फैसला है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में रिया चक्रवर्ती निर्दोष है या फिर रिया को बचाने की ये पूरी कोशिश हो रही है? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है और इसी वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का पुनर्जन्म हो चुका है, सुशांत फिर से इस दुनिया में आ चुके हैं और सुशांत अब बदला भी लेंगे। जी हां, यही बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे आगे की बात यह है कि 14 जून 2020 को सुशांत के साथ उस रोज क्या हुआ था, ये भी दावा किया जा रहा है। तो पहले आपको बता दें कि दावा क्या है, कहानी क्या है। तो एक वायरल वीडियो में एक महिला सड़क पर बैठी हुई नजर आ रही है और वही महिला चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रही है, जोर जोर से कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत फिर से जन्म ले चुका है, सुशांत का पुनर्जन्म हो चुका है। जी हां, महिला जोर जोर से बातें बोल रही है और इस दौरान सड़क पर बैठी हुई कई सारे लोग वहां पर मौजूद है। इसके तुरंत बाद एक महिला रिपोर्टर वहां पर पहुंचती है और उसी महिला से सवाल करती है कि सुशांत सिंह राजपूत कहाँ है। तो महिला जवाब देती है कि सुशांत की माँ का ये शरीर है, सुशांत सिंह राजपूत अपनी माँ के शरीर में आ चुका है, अपनी माँ के शरीर में जन्म ले चुका है और बहुत जल्द सामने आकर बदला भी लेगा। आगे देखिए, इसके बाद रिपोर्टर पूछती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। तो तुरंत ही वो महिला जवाब देती है कि सुशांत को मारा गया था, बेरहमी से मारा गया था। तो फिर तुरंत ही रिपोर्टर पूछती है कि कैसे सुशांत को मारा गया। तो 14 जून 2020 के बाद से सवाल अब तक भी बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, लगातार लोग पूछ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए पूछा गया। और इस पर वो महिला जवाब देती है कि गले में इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद काम तमाम। जी हाँ, यही ये बात बड़ी हो गई है कि सुशांत सिंह राजपूत के गले में इंजेक्शन लगाने की जो बात कही गई वो नई बात है, अनोखी बात है। हालांकि सवाल ये भी कि इंजेक्शन लगाया किस लिए, इसीलिए अगला सवाल होता है कि सुशांत को किसने मारा, क्यों मारा। तो फिर वो महिला कहती है कि मुझे नहीं पता और गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों ने सुशांत को मार दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद महिला सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने लगती है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद बवाल हो गया, कई लोग इस वायरल वीडियो को देख चुके हैं और कई लोग इस बारे में बातें भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसे महिला की एक्टिंग कहा है और वीडियो को गंभीरता से नहीं लेने को कहा, तो कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ, सुशांत के गले में इंजेक्शन लगाया हो सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि वही एक वजह यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब जो भी हो, इस वीडियो के बाद खासा हंगामा है, सुशांत के फैंस एक बार फिर से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सुशांत के फैंस एक बार फिर से कहने लगे हैं कि सीबीआई कब इस केस की पूरी जांच करेगी और कब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, क्या सच में वाकई सुशांत को दोबारा जन्म लेकर खुद ही अपना इंसाफ करने आना होगा। तो आप क्या मानते हैं इस वीडियो में, आपको कितनी सच्चाई लगती है, आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।